हमें मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। बेटा दो मिनट और इंतजार करो। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ। जेपी अंकल कहाँ है? नमस्कार भाई साहब। सर, पापा ने मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए कहा, पर बाहर किसी ने बताया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे जल्दी जाना है, तो लड़की से मिल सकता हूँ या वापस लौट जाऊँ? वो यहाँ है ही नहीं तो कैसे मिलोगे? मतलब? मैं बताता हूँ बेटे, इन्हें हम सब की मदद करने की सजा मिली है। एक ऑयल कंपनी पाइपलाइन डालने के लिए हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इन्होंने उसका जमकर विरोध किया, इसलिए ये मुसीबत में आ गए। हमें डराने के लिए वो रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं, पर ये नहीं झुके। जब उन लोगों को आपके यहाँ आने की खबर मिली तो उन लोगों ने इनकी बेटी को किडनैप करके ओबुल रेड्डी के यहाँ रख दिया। अब ये बात आपको भला बस। देखो बेटा, इस रिश्ते की बात यहीं खत्म करते हैं। एक भी गलत कदम उठाए तो उसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हमारा दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं है, वो किसी कानून को नहीं मानता। जान लेना उसके लिए बस एक खेल है। पापा से कहना कि लड़की पसंद नहीं आई, उसकी जान खतरे में है, ये बात किसी को मत बताना। प्लीज, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, क्या रिपोर्ट है? हम लड़की को उठा लाए सर, 6 घंटे हो गए पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लड़की को खत्म कर दो तभी मानेगा। अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, ओबुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। पता चला लड़की यहाँ पर है तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले। सर, लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। लड़की को देखा तो आप मारेंगे, पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। इतना गुस्सा, बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा। वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। चलो। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया? निकल ना, नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं। अच्छा? जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा दूसरे बीच में, बीच में बोला। वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा? इसी दिन के लिए तुझे पालतू के बड़ा किया था। अरे अरे, मजा आ गया, इस शो के टिकट तो ब्लैक में खरीद लिया। आगे आगे देखो होता है क्या। बात कर रहे हो? गांव क्यों गया था? लड़की को देखे ना, बिना देखे आ गया, बिना देखे, बिना देखे। कथा कहीं का जो कहता हूँ वो कभी नहीं कहता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी, डैडी, डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम म्युनिसिपैलिटी में पढ़ता है? इंग्लिश झाड़ता है? सॉरी पिताजी, दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा? पिताजी हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा? डैडी, पापा, पॉप, डैड, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख गया और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर। पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो
यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए वो दो नंबर गए। अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके लाओ, मुझे उससे मिलना है। चलो किसको? वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वरना बहुत मारूंगा। अरे ओबुल, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ गधे, इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा, इसका मतलब पता है तुम्हें? You mean band? ना बोल। No idea. आइडिया मैं देता हूँ, लड़की को लेकर। अभी लाया। धमाल कर दिया तुम्हें, लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता। रे बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा, ये रिश्ता तो अब डन 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 है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं है। चाचा अब बेटर लग रहा है ना, एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में हैं, उनके सामने डैडी बन जाओ, जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डैड, अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेड्डी बन गया डैडी। ससुर जी हा? मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या, मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहे? बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले, इनको कैसे पता होगा, आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी हा? आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया, मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। एजी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है, बकरी मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाए, पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए हम और नहीं खाएंगे, चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानू चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कदम साथ चल लिए, लो हो गई हमारी शादी। चलो घर चलें।
तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते, और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम बेटे, दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर, दो दिन और रुक कर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके, आई मिस यू, टेक केयर, बाय बाय। सेल्फी लेते हैं? सेल्फी, सेल्फी प्लीज। पास आ जाओ, मुझे भी देखने दे। आई विल सी यू सून। नेक्स्ट टाइम मूंछ निकाल के, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हग तो दे दो, एक हग तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा, लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की।